गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आज देखने हैं। एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर नहीं है। सो आप देखो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसके अंदर आप देखो वॉल्यूम आपको गिवन है फर्स्ट के अंदर, वी इक्वल्स टू 3 लीटर, मतलब इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। सो कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। आपको टेम्परेचर का डिफरेंस गिवन है, दैट इज 50 °C। एल वी गिवन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम गिवन है। आपको एम फाइंड करना है, मास आपको फाइंड करना है। चलो कैसे फाइंड करोगे, सो इक्वेशन क्या आएगा, क्यू इक्वल्स टू एम एल, यहाँ पर आएगा एल वी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो एम का यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा एम इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल वी। अब बात करते हैं एल वी तो गिवन है, क्यू कहाँ से फाइंड करोगे। सो फॉर क्यू अगेन एक इक्वेशन आपके पास है, वेन एवर देर इज चेंज इन टेम्परेचर विच इक्वेशन आर यूजिंग, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। कौन सा इक्वेशन आएगा, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एम, अगेन एम इज नॉट गिवन, तो आप कैसे फाइंड करोगे, यूज द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। सो क्यू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बराबर, और ये एस डेल्टा टी एज इट इज। नोट्स डेंसिटी 10³, वॉल्यूम गिवन है 3 और लीटर के मीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻³। एस कितना हो जाएगा, 4186 एंड डेल्टा टी आपको गिवन है 50। सो क्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 63 × 10⁴ जूल पर लीटर। अब ये जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे रख दो, सो एम आपको मिल जाएगा। सो एम इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू 63 × 10⁴, एल वी आपको गिवन है 4 × 10⁴, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो जो एम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 15.75 ग्राम पर मिनट, बराबर। सो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। उसके बाद सेकेंड, सेकेंड के अंदर आपको क्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सो एक काम करते हैं, वे यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। सो ये इक्वेशन कुछ ऐसा था, सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन म्यू इंटू डेल्टा टी। ये सिंपल डेफिनेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। यहाँ से आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, म्यू सी डेल्टा टी। अब ये प्रोसेस कौन सी है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ पर हम सी पी लिख देंगे। सिक्वेशन क्या बनेगा, म्यू सी पी डेल्टा टी। अब सी पी हमारे पास नहीं है, आप फाइंड कर सकते हो कैसे, व्हाट इक्वेशन ऑफ सी पी, एफ आर बाई 2 + R, एफ कितना हो जाएगा 5, आर बाई 2 + R, तो इसका आंसर निकल के आएगा 7 R/2, क्योंकि यहाँ पे एन टू है, एन टू के लिए एफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर। सो यहाँ से आपको सी पी मिल गया, सो आपको डेल्टा क्यू यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे म्यू नहीं है हमारे पास, सो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, म्यू म्यू इक्वल्स टू व्हाट, एम बाय एम ज़ीरो, ये वैल्यू यहाँ पे रखते चलो। सो डेल्टा क्यू क्या आएगा, डेल्टा क्यू, सो दैट कम्स आउट एम बाय एम ज़ीरो, बराबर, एम बाय एम ज़ीरो सी पी इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज सी पी, 7 R/2 into what, delta t. Now put the value of m, so therefore delta q equals to value of m 2 × 10⁻², divide karo m 0 kitna aayega, nitrogen hai 28 × 10⁻³ ho jayega, 7th r ki value fix hoti hai 8.31, divide karo 2 aur delta t given hai 45. So yahan se delta q nikal ke aayega, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू वट, 934.5 जूल, 934.5 जूल। सो ये आपको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दैट इज। उसके बाद नेक्स्ट देखो नंबर 4, चलो नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है। सो नंबर 4 के अंदर आपको रेशियो फाइंड करना है P2 / P1 का, और जो प्रोसेस गिवन है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस यू हैव गिवन। अब यहाँ पे म्यू आपको गिवन है 3 मोल, बराबर, V1 इनिशियल वॉल्यूम V गिवन है। अब वॉल्यूम को आप चेंज कर रहे हो,
V1 V है, V2 आपने कितना किया, हाफ कर दिया, मतलब V/2। ऑब्वियसली प्रेशर चेंज होगा, सो जो भी प्रेशर चेंज हो रहा है उसका आपको रेशियो फाइंड करना है, P2/P1 यहाँ पे फाइंड करना है, P2/P1 फाइंड करना है। सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन क्या से लिखोगे, P1V1 पावर गामा इक्वल्स टू P2V2 पावर गामा। अब बात करते हैं P2/P1 की, सो P2/P1 कितना निकल के आएगा, V1 V2 पावर गामा। सो यहाँ पे V1 की वैल्यू चलो V रखो, V2 V/2 है, ये यहाँ पे आ जाएगा गामा एज इट इज। अब गामा की वैल्यू निकालनी, सो गामा का इक्वेशन कितना आता है, 1 + 2/f, सो 1 + f की वैल्यू 5, सो ये निकल के आएगा 7/5 और ये वैल्यू आती है 1.4। सो देयरफॉर P2/P1 इक्वल्स टू, चलो यहाँ से V कैंसल, सो यहाँ पे 2 और 1.4। अब इसको सिम्प्लाई करने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, सो ये गेटिंग लॉग P2/P1 इक्वल्स टू 1.4 लॉग ऑफ 2, देयरफॉर 1.4 एज इट इज। व्हाट इज वैल्यू ऑफ लॉग 2, दैट कम्स आउट 0.3010। सो ये कुछ निकल के आएगा लॉग P2/P1 इक्वल्स टू 0.4214। इफ यू आर टेकिंग एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू यू गेटिंग P2/P1 इक्वल्स टू 2.638। बराबर, सो यहाँ से आपको P2/P1 मिल जाएगा, गेटिंग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो 12.5। उसके अंदर देखो आपको एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाना है, ए से बी आपको जाना है, और जो प्रोसेस गिवन है वो कौन सी, एडियाबेटिक। वर्क आपको गिवन है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना गिवन है, -22.3 जूल, ये वर्क आपको यहाँ पे गिवन है। तो एक काम करो, यहाँ से आप डेल्टा यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, यूज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, कितना आएगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एडियाबेटिक होने की वजह से ये तो जीरो हो जाएगा, सो 0 इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो डेल्टा यू कुछ मिलेगा आपको 22.3 जूल, सो यहाँ से आपको डेल्टा यू मिल जाएगा। अब बात करते हैं वर्क फाइंड करना है सेकेंड पार्ट के अंदर, सो सेकेंड के अंदर देखो क्या गिवन है, ए से बी अगेन वो प्रोसेस, अमाउंट ऑफ हीट यू हैव गिवन, देखो डेल्टा क्यू गिवन है कितना 9.35 कैलोरी, ये आपको गिवन है। सो इसको तो पहले आप जूल में कन्वर्ट कर दो, सो डेल्टा क्यू कितना आएगा 9.35 × 4.19, ये कुछ निकल के आएगा 39.18 जूल आएगा। सो देयरफॉर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सो डेल्टा डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल के रखी है, चलो ये तो गिवन है 39.18 और डेल्टा यू आपने निकाला 22.3, कितना आंसर आएगा, सो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू 16.9 जूल, कितना आंसर आएगा 16.9 जूल। सो ये आपका था 12.5। अब देखो नेक्स्ट 12.7 की बात करते हैं, 12.7 आपको हीट इंजन गिवन है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है। सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, अगेन दिस इज नॉट योर सिलेबस, लेकिन सिंपल इक्वेशन से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सो ईटा कितना मिलेगा आपको, W/Q1, कार्नोट इंजन के अंदर आपने देखा था W आपको गिवन है, वो कितना 5.4 × 10⁸, W कितना गिवन है 5.4 × 10⁸, Q1 भी गिवन है 3.6 × 10⁹, सो इसका आंसर कुछ निकल के आएगा 0.15, ईटा कितना निकल के आएगा 0.15। सो इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू आएगी 15%। अब बात करते हैं Q2 कैसे फाइंड करोगे, सो Q2 के लिए इक्वेशन क्या आएगा, W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2,
सो क्यू टू कम्स आउट क्यू वन माइनस डब्ल्यू, चलो क्यू वन कितना आएगा 3.6 10 पावर 9 माइनस डब्ल्यू कितना आएगा 5.4 10 पावर 8 आएगा. सो यू गेट आंसर ऑफ क्यू टू 3.06 10 पावर 9 जूल. क्लियर? ओके. उसके बाद देखो नंबर एट इसके अंदर आपको डेल्टा क्यू गिवन है. सो दैट कम्स 100 जूल पर सेकेंड. ये आपको गिवन है, एक्चुअली पावर गिवन है. व्हाट इज पावर? वॉट एंड वॉट दैट इज जूल पर सेकेंड. सो डेल्टा क्यू आपको गिवन है 100 जूल पर सेकेंड. नेक्स्ट वर्क गिवन है 75, ये भी इन टर्म्स ऑफ जूल पर सेकेंड गिवन है. क्या फाइंड करना है? डेल्टा यू. तो सिंपल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू कैन राइट इक्वेशन. डेल्टा क्यू जो होता है वो कितना आएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. बराबर. सो डेल्टा यू इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. सो डेल्टा क्यू 100, ये आ जाएगा 75. सो डेल्टा यू निकल के आएगा 25 जूल पर सेकेंड. क्लियर? ओके. उसके बाद नंबर 9, इसके अंदर आपको एक ग्राफ गिवन है ऑफ पी एन वी. यहाँ पे एक स्टेट है डी. बराबर. आपको कहाँ से कहाँ जाना है? पहले डी से ई जाना है, फिर कुछ जा रहे हो ई से एफ आ रहे हो ऐसे, बराबर ई से एफ, और वापस एफ से डी ऐसे जाना है. अच्छा, ये वैल्यू आपको गिवन है, देखो कितनी 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये वैल्यू भी गिवन है 300. ये ज़ीरो है. वॉल्यूम गिवन है आपको 2 मीटर क्यूब. ये भी गिवन है 5 मीटर क्यूब. टोटल वर्क इन दिस प्रोसेस आपको फाइंड करना है. तो एक काम करते हैं, पहले वर्क फाइंड करेंगे फॉर प्रोसेस डी से लेके ई कितना हो जाएगा. सो यहाँ पे देखो एरिया अंडर दिस डी ई ग्राफ विल गिव्स व्हाट? वर्क. सो यहाँ पे दो आपको एरिया मिल जाएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिल जाएगा. सो अगर बात करें डब्ल्यू वन, सो कितना आएगा 1/2 बेस एंड हाइट. सो ये कुछ निकल गया आएगा 450 जूल आ जाएगा. बराबर. अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसके लिए आप डब्ल्यू टू लिख दो. सो डब्ल्यू टू इक्वल्स टू कितना आएगा? देखो ये आ जाएगा 3 और ये 300. सो ये आ गया 900 जूल. सो आपने यहाँ के डी से ई के लिए आपने वर्क फाइंड कर दिया. अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, कौन सा है? वर्क फ्रॉम ई टू एफ. अब यहाँ पे W 3 लिखो. चलो तो अगेन दिस इज रेक्टेंगल, सेम प्रोसेस 3 × 300 कितना आएगा? माइनस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का कंप्रेशन हो रहा है. बराबर. अब लास्ट स्टेप, ये प्रोसेस F से D. अब F से D के अंदर क्या हो रहा है? वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, और जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क कितना आएगा? ज़ीरो आ जाएगा. सो ये प्रोसेस के अंदर वर्क का ज़ीरो आएगा. सो वर्क ज़ीरो मतलब W4 इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ पे लास्ट प्रोसेस कौन सी? F से D. सो दैट इज़ ज़ीरो. सो जो टोटल वर्क यहाँ पे कितना आएगा, एडिशन ऑफ ऑल दी वर्क. सो W इक्वल्स टू आएगा 1 + 2 + 3 + 4. सो देखो W1 कितना आएगा? 450 आ जाएगा. बराबर. W2 900 आ जाएगा. यहाँ पे देखो ये माइनस 900 आ जाएगा और ये तो ज़ीरो आ जाएगा. सो 900 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? W इक्वल्स टू वॉट 450 जूल. बराबर. सो ये प्रोसेस के अंदर देखो खास मेन तो यही कंसेप्ट था कि आपको वर्क जो फाइंड करना है वो कहाँ से फाइंड करोगे? एरिया अंडर दी पीवी ग्राफ. अच्छा, यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही थी, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल आया. ये जो प्रोसेस थी यहाँ पे कंप्रेशन हुआ और कंप्रेशन होने की वजह से क्या आया? ये एरिया आ जाएगा. यहाँ पे तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहा,
सो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होने से आपको वर्क जीरो, सो अल्टीमेटली ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो लास्ट 12.10 आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, सो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है न्यूमेरिकल और थ्योरी पार्ट। अब नेक्स्ट वीक के अंदर आया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।